ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। रूहों और जिन्नातों की अपनी ही एक अलग दुनिया होती है, पर कभी कभी वो हमसे टकरा जाते हैं। तब जब हम जाने या अनजाने उनकी इस अलहदा सी जिंदगी में दखल दे देते हैं और उसका अंजाम खून जमा देने वाला होता है। मैं डॉक्टर नागर आज आपके सामने कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी मेरे एक खास दोस्त फरमान की आंखों के सामने घटी, तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनकी ये आप बीती। जब मैं छोटा था ना, तब मेरे घर में सब मुझे राजा के नाम से बुलाया करते थे। हमारी फैमिली सहारनपुर में रहा करती थी, पर अक्सर गर्मियों की लंबी छुट्टियों में हम हमारी फैमिली के साथ अपने रिश्तेदारों के पास सरसावा चली जाया करते थे। बस वहां पहुंचने के बाद तो हमारा एक ही काम हुआ करता था, सुबह सुबह बैट बॉल लो, निकल जाओ, जम कर क्रिकेट खेलो और फिर दोपहर को खाना खाने के लिए घर लौट आओ। उस दिन भी मैं अपने दोस्त बबलू के साथ निकल पड़ता। ओए राजा, तो ऐसे ही है, बैट पकड़े तो जीरो पे आउट हो जा और बॉल पकड़े तो फुल टॉस फेंके सीधे छक्का। ज्यादा दांत मत ही निकाल, कल 50 मारे थे मन्ने, किसी से आउट हुआ क्या मैं? अबे तुक्का लग गया था कल। ओ बबलू, उसमें पैर मत रख, कबर है वो। अरे मरने वाला मर लिया, अब यहाँ थोड़ी सो रहा वो। अबे तेरे पीछे भूत। कहाँ? अबे देख कैसे फूक सरक गई इसकी, देख भाई पैंट तो ना गिल्ली हो गई। चुप रहो, सीधे घर चलो। बस हम लोग मस्ती करते करते आगे बढ़ गए और गांव के पास पहुंचे तो सब अपने अपने घरों की ओर निकल गए। अब बस मैं और बबलू साथ थे। अभी हमें चलते हुए कुछ देर हुई होगी कि तभी अचानक जैसे पीछे से किसी ने आवाज दी, बेटा हुक्का पिला दे। हमने पलट के देखा तो वो झुकी कमर वाला कोई बहुत बूढ़ा सा आदमी था। बब्बा दीख ना रहा, हम छोटे छोटे बालक है, कहाँ से लावेंगे हुक्का? एक काम करो बब्बा, दादी से बोलो, दादी से वो पिला देगी हुक्का तुम्हें। बबलू ने से झिड़का और हम घर की ओर चल दिए। अभी हम कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि फिर से वही आवाज सुनाई दी, रे बट्टा हुक्का पिला दे। हम पलटे तो मैंने देखा वो बूढ़ा सिर्फ बबलू की ओर देख रहा था, उसे घूर रहा था। जिस तरह वो उसे देख रहा था मुझे डर लगने लगा। मैंने बबलू से कहा, ओए बबलू तेज चल, मेरे को ना कुछ गड़बड़ लग रही। और फिर हम तेजी से एयरफोर्स की फेंसिंग के नीचे से घुस के गांव की ओर बढ़ गए। पर एक बार फिर से वही आवाज, बेटे हुक्का पिला दे। इस बार तो मेरा बदन ठंडा हो गया। इतना बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई है इतनी आसानी से फेंस पार करके कैसे आ गया? तो जितनी तेज हम चल रहे थे उसकी बराबरी वो कैसे कर सकता था? मैंने बबलू का हाथ कस के पकड़ा और उसे लगभग खींचता सा गांव की ओर दौड़ पड़ा। अरे क्या हो गया तुझे, गुड्डे से डर रहे तू? पीछे मत देख बबलू, ये वही कमर वाला लग रहा है मेरे को। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे बबलू का हाथ पूरी तरह कर रहा है। बबलू बुखार हो रहा है, कैसा जल रहा है तेरा हाथ? पर अब तक वो खुद भी बहुत डर चुका था। मैं जानता था कि वो जो भी है मेरा नहीं बबलू का पीछा कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ बबलू को ही घूर रहा था।
मैंने बबलू का बुखार से तपता हुआ हाथ और कस के पकड़ लिया और तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं बबलू का हाथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और हम घर की ओर लगभग भाग ही रहे थे पर अभी भी वो आवाज हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसके बाद पता नहीं किसी तरह हम अपने घर तक पहुंचे। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। मम्मी, मम्मी, चाची, दरवाजा खोलो, मम्मी। राजा, की हुआ तने? तू ऐसा पागल सा क्यों चिल्ला रहा है? वो बुढ़ा पीछा ना छोड़ रहा मारा। बुढ़ा? कौन बुढ़ा? है कहाँ? मारे को तो ना दिख रहा। अरे वो देखो चाची, खड़ा तो है सही। और इस बार बबलू ने जैसे ही बुड्ढे को देखा वो धड़ाम से गिर गया। बबलू उठ बेटा, बबलू। उसी ने किया है, उसी ने पीछे पड़ा हमारा। बेटा साफ साफ बोल, कौन पड़ा है, किसने किया? माँ देखना, माँ वो ना खड़ा है। इस बार जब मैंने पीछे घूमकर देखा तो बुड्ढा जैसे 15-20 दिन की सड़ी हुई लाश था। अजीब सी गंध का झोंका आया मेरी नाक में, लगा जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। खून जम गया मेरा। तब तक बबलू की माँ के साथ आस पड़ोस वाले भी आ गए वहां। बबलू की माँ तो बबलू को ऐसे पड़ा देखकर बदहवास रोने लगी। क्या हो गया मेरे बच्चे को? उठ बबलू, बबलू उठ, इधर देख बबलू, कोई से उठाओ मेरे बच्चे को, देखो क्या हो गया। बबलू उठ, कोई तो देखो इसे। बबलू, बबलू अपनी माँ की तरफ देख। बबलू किसी को तो बुलाओ, कोई डॉक्टर, ओझा, किसी को तो बुलाओ, मेरे बच्चे को उठाओ बबलू। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बबलू को हुआ क्या है। वो तो बिल्कुल बेजान सा पड़ा था, कोई उस पर हवा कर रहा था, कोई उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। मन ने तो लगे है भूत ने पकड़ लिए है। हाँ जिन लगे है मन तो। हटो हटो हटो, भीड़ मत लगा, हटो। सबको वहम हो गया दिखे। सुन राजा, पहले तो यू बता कि थारे साथ हुआ क्या। चाचा, वो बुड्ढा पीछे पड़ा हमारे, उसी ने बबलू को मार दिया। राजा बेटे रो रहे, कुछ ना हुआ बबलू को? अच्छा सुन, अब यू बता, वो बुड्ढा तेरे को अब भी दिख रहा? अच्छा यू बता कि वो बुड्ढा कहाँ खड़ा है? वो सामने, वो बस बबलू को देख रहा है, उसे बदला ले रहा है वो चाचा। बदला? भाई साहब, यो इसका वहम ना हो सके ना। बात मान मारी, यो वहम ना है। तू एक काम कर, जाके करीम हाजी ने बुला ला, जाके जा, जा भाग के जा। जी अच्छा, और तू खड़ी यहाँ क्या मुंह करी मारा? जाके भीतर से चार पाई लिया जा। अजीब बात की है, छोड़ा गला बुढ़ा सिर्फ मुझे दिख रहा था और उसके बदन से आने वाली सड़न भी मुझे तो महसूस हो रही थी। मैंने चारपाई लेकर बबलू को उस पर लिटाया था कि सामने से कलीम हाजी हमारी ओर भागते हुए नजर आए, और अभी वो हमारी ओर भाग ही रहे थे तभी ऐसे लगा जैसे उन्हें जोर का झटका लगा और वो बस गिरते गिरते बचे। पर वो जल्दी ही संभल गए और उन्होंने तुरंत अपने झूले में से एक तावीज निकाला और कुछ बड़बड़ाने लगे। मैं समझ गया कि उन्होंने बुड्ढे को देख लिया है, क्योंकि वो लगातार उसी की ओर देखकर बड़बड़ा रहे थे। तभी वो बुड्ढा अजीब सी आवाज निकालने लगा। इस पे कलीम हाजी चिल्लाए, कौन है तू? कहां से आया है तू? मेरी बात का जवाब नहीं देता, यही गाड़ दूंगा तुझे। बोल कहां से आया है तू? कब्रिस्तान से। तू यहाँ क्या कर रहा है?
बच्चे के पीछे पड़ा है। इसने मेरी कब्र पे पैर रखा था, हक जताया था इसने जमीन पे, इसने उसी जमीन पे भेजूंगा मैं, इसकी जमीन दूंगा इसने, वही ढूंढूंगा जमीन के नीचे से। इस बुड्ढे का इतना कहना था कि तभी बबलू का चारपाई पे पड़ा हुआ बदन बुरी तरह कांपने लगा। और तभी तभी कलीम हाजी ने जोर जोर से चैंटिंग शुरू कर दी। जैसे जैसे वो बड़बड़ाते जा रहे थे, बुड्ढा गुस्से से जानवर उसी आवाज से निकालने लगा। नादान है वो, बच्चा है अभी, भूल हो गई उससे, तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती। तू ये जाएगा इसके साथ। तू मुझे मारेगा, मुझे मार सके तो मार, पर बच्चे का पीछा छोड़ दे, उसको तो मैं उसकी जमीन दिलाऊंगा, उसको ना छोड़ के जाऊंगा मैं। पर कलीम हाजी ने उसकी एक बात नहीं सुनी, उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने और भी जोर से चैंटिंग शुरू कर दी। इस पर बुड्ढा और जोर से चीखने लगा और बबलू का बदन ऐसे कांपने लगा कि अब चारपाई धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ जमीन से टकराने लगी। नादे आलिया मजरूल अजाइब तौजरी हूं आओ ना लगा फिर नवाएबी उल्ला हम्यू हम्यू सैंजली दी नबीवतिका या रसूल अल्लाही वभी बिलाई का याली याली याली। फिर कलीम हाजी वैसे ही बड़बड़ाते हुए उसकी ओर बढ़े और उन्होंने उसकी ओर फूका। और अगले मिनट देखा सड़ा गला बदन जैसे गायब हो गया। वैनिश्ड। तभी बबलू का कांपना भी बंद हो गया और वो दर्द से कराने लगा। मम्मी माँ। ओ हाजी चचा, चला गया कि था कौन वो? चला गया वो, पर आज के बाद कोई मत जाना वहां, बहुत बुरी रूह है वो, जिन्नात की ताकत है उसमें, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई मत जाना वहां, बिल्कुल मत जाना। यादी। तब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर उसके बाद मैं कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा, शायद डर गया था मैं, और उसी डर ने इस वाक्य को हमेशा के लिए मेरे दिमाग में छाप दिया। बबलू से अनजाने ही सही, पर वो भारी भूल हो गई थी जिसने उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। बाय द वे, आपके पास वक्त है एक दिन का, जब तक मैं एक नई कहानी लेकर लौटूंगा, तब तक आप सोचिए इस रहस्य को कि बबलू के साथ दरअसल जो हुआ क्या वो सच था।